ब्राजील साउथ अफ्रीका का कहना है कि हमारे पास भी वीटो होना चाहिए, जापान का कहना है कि हमारे पास भी वीटो होना चाहिए, इंडिया का कहना हमारे पास भी वीटो होना चाहिए। अब हमें मिलेगा कैसे? चाइना तो हम लोग का भी वीटो करेगा, लेकिन G4। अब मेरी ओर ध्यान से देखो, ब्राजील का कहना है कि भैया हमारे पास भी वीटो होना चाहिए, साउथ अफ्रीका का कहना है कि हमारे पास भी वीटो होना चाहिए, जापान का कहना है कि हमारे पास भी वीटो होना चाहिए, इंडिया का कहना हमारे पास भी वीटो होना चाहिए। हकीकत में इनमें वीटो होना चाहिए। तो पहली बात, जापान का तो वीटो मिलेगा नहीं, दो रीजन। एक तो उन पर रसिया पहले वीटो मारेगा, और चाइना तो नींदे में वीटो मार देगा कि एकरा नहीं मिलना चाहिए। अब मिलेगा कैसे, क्योंकि उसके बाद खुद की सेना नहीं है। सोचो इतना, तुम खुद की सुरक्षा दूसरे के भरोसे कर रहे हो और अस्थाई सदस्य बन रहे हो कि दुनिया की सुरक्षा करेंगे? पॉसिबल है? तो ये तो ऐसे फेंका गया। ब्राजील में भी उतना दम नहीं है, क्योंकि इसका सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन इसका विरोध करने वाला भी कोई नहीं है। और भारत इसका सपोर्ट करता है। भारत कहता है कि केवल हमको नहीं, ब्राजील को भी मिलना चाहिए, क्योंकि इस महाद्वीप में ही किसी को वीटो नहीं है। और साउथ अफ्रीका है, भारत इसका भी समर्थन करता है कि सबसे ज्यादा देश इसी महाद्वीप में है, और इसमें सबसे ज्यादा भुखमरी, गरीबी, आतंकवाद ही सब है, इसमें वीटो नहीं है, तो इसे भी मिलना चाहिए। और फिर भारत कहता है हमें भी मिलना चाहिए। समझदार इंसान ऐसे ही करता है। बारात में जो समझदार इंसान खाना खाना होता है ना, तो अपने लिए नहीं मानता, हे भाई साहब पूरी दीजिए इनको, पूरी आप पूरी ले दूर रख दीजिए, हे सब्जी लाइए इनको, सब्जी ले इधर रख दीजिए, रसगुल्ला लाइए यही रख के चल जाइए। ऐसे ही होता है। तो भारत क्या कर रहा है, यही ब्राजील को दीजिए आप वीटो दीजिए, साउथ अफ्रीका को दीजिए हमों को दीजिए, यही नहीं कर रहा है। अब बेचारा जापान इसमें पिसा जाएगा। हम लोग जापान का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, कहते जापान को भी मिलना चाहिए, परमाणु बम यही झेला है। बाकी लोग तो सुना है कि परमाणु बम कुछ होता है, जापान वाला तो झेला है परमाणु बम, इसको भी मिलना चाहिए। जबकि पता है भारत को कि इसके ऊपर चाइना क्या कर देगा, वीटो, बहुत घुसियाई लेना चाहिए। हालांकि जापानी सब बहुत खचड़ा था सब, अरे बाप रे बाप, जब ये हमला किया था सब ना, बहुत बुरा मारता था सब, यहाँ पर मंचूरिया में तो बहुत तबाह कर दिया था, समझा के गिना गया। बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं सामने। युद्ध में सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है महिलाओं को, बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है, और छोटे बच्चे तो भाग नहीं पाते हैं, इधर उधर मरा जाते हैं बेचारे, महिलाओं को खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब समझिए वीटो में, अब हमें मिलेगा कैसे? चाइना तो हम लोग का भी वीटो करेगा, चाइना बैल नहीं है, चाइना हम लोग का भी वीटो कर देगा, हम लोग की तरह डरपोक टाइप का नहीं है वो, चाइना वीटो कर देगा हम लोग के। लेकिन एक अन्य संगठन है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, MTCR, ये कहता है कि जो जो इसका सदस्य है वही इंसान 300 किलोमीटर मारक क्षमता से ज्यादा वाली मिसाइलों को बेच सकता है या खरीद सकता है। यानी जो MTCR का सदस्य नहीं है ना, वो उतनी ही मिसाइलों को खरीद सकता है जिनकी क्षमता 300 किलोमीटर है, और बेच भी उतने को सकता है। चाइना इसका सदस्य नहीं है, और भारत इसका सदस्य है, और इसमें भारत को वीटो है, इसमें भारत को वीटो है। इसलिए भारत मिसाइल घूम घूम बेच रहा है, मिसाइल को क्या कर रहा है, घूम घूम बेच रहा है। अब चाइना के दुश्मनों को हम मिसाइल दे रहे हैं, वियतनाम को दे दिए, मलेशिया को, फिलीपीन को, ताइवान को दे देंगे, जापान को दे देंगे। अब चाइना परेशान कर रहा है कि हम दे तो पाकिस्तान के, तो कहे 300 से कम वाला देना, 300 से कम, अब 300 से कम वाला देगा पंजाब हरियाणा तक अटक जाएगा, यहां तक कहीं भी नहीं करेगा। अब चाइना चाहता है बड़का दे मिसाइल, यहां तक तो चाइना को दिक्कत नहीं, क्योंकि चाइना पाकिस्तान भी अपनी मिसाइल बना लेता है, लड़ाई झगड़ा में पाकिस्तान ठीक ठाक है, उसी में ठीक ठाक है, पागल है सब, सब उन सब को दिमाग में जब जहर भर जाता है ना, आप लड़ नहीं पाते हैं, समझाएगा ना। शेर की लड़ाई में देखिएगा और कुत्तों की लड़ाई में, हल्ला ज्यादा कुत्तों की लड़ाई में होगा, शेर की लड़ाई में हल्ला नहीं होता, निपटा के चल देता है। जितना हाँ हाँ हाँ
नहीं बोलते हैं ना कुत्तों की लड़ाई में खाली भोंकबे करेगा क्या गा 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 भोंक के अत नहीं मनी बकोट के फिर चल जाएगा फिर मौत तो तुरा हमें शेर की लड़ाई में चुपचाप तो ये जो हल्ला ज्यादा करता है। अब समझो ध्यान से सबसे बड़ा चाइना को लहरता क्या है एक हवा में आजकल ना दुश्मन अगर जहाज से आके मार के चल जाएगा वो खतरनाक होता है क्योंकि बहुत तेज आता है मार के चल जाता है तो उसे मार के गिराना जरूरी होता है। तो दुनिया में सबसे तगड़ा मिसाइल जो है ना S-500 है। क्या है S-500 ये 500 किलोमीटर दूर किसी भी जहाज को मार के गिरा देगा। और S-400 है ये कितना मार के गिरा सकता है अच्छा और एक S-300 है ये कितना मार के गिरा 300। अब ये तीनों मिसाइल बनाता है रसिया S-300 भी कौन बनाएगा रसिया 400 भी और 500 भी। अब देखो भारत MTCR का सदस्य है तो हम इसमें से कोई भी खरीद सकते हैं। हम लोग ये खरीदे 400 वाला हम S-400 को कहां लगाए हैं बॉर्डर पे तो ये कितना घुस के मार सकता है हा? चाइना का हमको भी 400 वाला चाहिए तो रूस ने कहा पैसा दो रूस ने लिया पैसा और दे दिया 300 वाला का ही तो धोखा है तो कहा कि सोचा पहले तुम MTCR का सदस्य बनो तो चाइना कहा कि हम तो सदस्य नहीं है लेकिन छोड़ो हमरा से पैसा 400 वाला कह लिया हमको तुम इसका पैसा दो इस इतना पैसा लो ना एक महंगाई बढ़ गया इतना दाम में देंगे मजबूरी है उसकी वो S-400 खरीद नहीं सकता और उसने क्या किया S-300 का रेट कितना कर दिया S-400 तो कहा कि इतना का है तो कहा कि अभी ये नया नया है ना तो इस पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं नहीं समझे अभी मोदी जी गए हैं रसिया S-400 खरीद के S-400 तो आइए गया है बात किस पे कर रहे हैं S-500 अगर S-500 आ गया तो अगर आप बॉर्डर पे इसको लगा दिए तो 500 किलोमीटर अंदर चाइना का कोई जहाज उड़ रहा होगा ना तो सूंघ के मार देगा उसको जो मार देगा यहां पे। यूक्रेन की लड़ाई में कोई जहाज दिखा है मार इजराइल बम पे बम गिरा रहा है तनी मारे ना यूक्रेन पे बम मारेगा S-400 ऊपर से उधिया देगा। अब चाइना परेशान तो मोए मोए हो गया मेरा तो चाइना आया किसमें MTCR में कि हमें भी सदस्य बनना है भारत मार दिया बीटो yes. समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब अगर तुम्हें MTCR में बीटो चाहिए तो हमें UNO में बीटो दो और नहीं तो सच रहा तुमको यहां एम नहीं मिलेगा और यहां नहीं मिलेगा तो उसे ज्यादा लॉस है अगल बगल में भूजा ऐसा बांट देंगे हम लोग मिसाइल। ये सही है कि नहीं MTCR वाला। अब चाइना हम लोग के पास आएगा लेकिन पहले चाइना से कहना पड़ेगा तुम हमें UNO में बीटो दिलाओ उसके बाद हम तुम्हें MTCR में दिलाएंगे। ये चोट्टा अगर MTCR में हम लोग इसको बीटो दे दिए ना हाँ तो क्या हो जाएगा पावरफुल हो जाएगा क्या हो जाएगा फिर नहीं पलट जाएगा झूठ खड़े झूठ बोल देता है तो हम लोग को कहना पड़ेगा तो चाइना कहेगा कि तो तुम भी पलट गए तब तो हम लोग कहेंगे देखो हम लोग तो पहले पलटते नहीं है दूसरा ज्यादा जरूरत तुमको है हमें UNO में बीटो रहे या ना रहे पंचायती के काम में ना आएगा हमरा कोई जरूरत नहीं पंचायती के लिए हमरा एगो तुमरे से विवाद है एगो किससे विवाद है पाकिस्तान से तो हमरा पंचायती में जो ज्यादा शौक नहीं लेकिन तुम अपना सोचो पूरा घूम घूम बांट देंगे मिसाइल EMI पे दे देंगे। अरे तुम लोग हंस रहे हो फिलीपीन को हम लोग मिसाइल दिए हैं ना EMI पे दिए पैसा नहीं दिया है पूरा अभी EMI पे दिए मिसाइल। ये बात हमको मतलब बोलना नहीं चाहिए लेकिन जरूरी भी है बोलना ताकि चाइना को समझ में आए कि हम लोग ने पूरा पेमेंट नहीं लिया है अभी आधे दिया है पेमेंट तो कोई बात नहीं किस्त पे बांध देते हैं आप चलो तुम फाइनेंस करा देते हैं क्रेडिट कार्ड पे महीना महीना कटते रह गए आप UPI कर देना तुम हर महीने ऐसे करके सबको बांट दिए हम लोग चाइना का मोह मोह हो गया है कि नहीं आप तो ये खतरनाक खतरनाक चीज है।